क्लास फर्स्ट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 एयर एंड वाटर। ठीक है, ट्यून अप, पुट अ रॉन्ग ऑन द एक्टिविटीज दैट पॉल्यूट द एयर। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन सी क्रियाकलाप है जिसके द्वारा हमारी वायु अर्थात एयर जो पॉल्यूट हो रही है, पॉल्यूट मतलब दूषित। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गाड़ी में से क्या निकल रहा है, धुआं, स्मोक, तो ये क्या होगा, एयर में मिक्स होगा जिससे हमारी एयर क्या होगी, पॉल्यूट होगी। ठीक है, आफ्टर दैट दिस एक्टिविटीज फायर ऑफ क्रैकर्स, तो फायर ऑफ क्रैकर्स से भी हमारी एयर क्या होती है, पॉल्यूट होती है। ओके, फिर इस एक्टिविटी में पौधे में एक बच्ची पानी दे रही है, अब इससे क्या होगा, ये पौधा जो होता है, जो प्लांट्स होते हैं, वो हमारी एयर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, ये हमारी एयर को पॉल्यूट नहीं करते हैं। फिर ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, इससे भी हमारी एयर क्या होती है, पॉल्यूट होती है। तो ये और ये, इस पर आपको रॉन्ग करना है, इससे हमारी एयर क्या होती है, पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एयर। एयर इज ऑल्सो अराउंड अस, एयर इज ऑल अराउंड अस, इसका मतलब क्या है कि वायु सब जगह हमारे चारों ओर है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, इसका मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उन सबको जीने के लिए एयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, इसका मतलब कि हम एयर के बिना कुछ मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, हम क्या कर सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। ठीक है, वह वायु जो पृथ्वी के चारों ओर या चारों ओर से पृथ्वी को घेरी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमोसफियर। ठीक है, जो वायु पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोसफियर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट हैज वेट, इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, कि हमारी जो एयर है वो विभिन्न प्रकार के गैसों से निर्मित है। इट हैज वेट, और एयर में क्या होता है, वेट होता है, अर्थात उसमें भार होता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, कि जो ह्यूमंस है, मानव है, और जो जीव जंतु हैं, उनको सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, और प्लांट को क्या चाहिए, अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एयर, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है सांस लेने के लिए, शुद्ध वायु की। एयर हेल्प्स विंडमिल टू मूव, जो विंडमिल होती है उसको मूव करने के लिए
हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एयर की। तो एयर हमारी जो विंड मिल है उसको चलाने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। वी नीड एयर टू ड्राई क्लोथ्स। जो एयर है वो कपड़े सुखाने के काम आती है। ठीक है, एयर इज नीडेड टू सेल पॉट्स एंड फ्लाई काइट्स। ठीक है, कि जो सेल बोट्स होती है उसको चलाने के लिए और पतंग को उड़ाने के लिए एयर की आवश्यकता पड़ती है। अगर एयर नहीं चलेगी तो सेल बोट्स भी नहीं चलेंगी और साथ ही साथ में जो आपकी काइट्स है वो भी फ्लाई नहीं करेगी। ओके, सो वी नीड एयर टू सेल बोट एंड फ्लाई काइट्स। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। कि किसी भी चीज को जलाने के लिए भी या जलने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? एयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है, देखो यहां पर विंड मिल। तो ये विंड मिल है, अगर एयर चलेगी तो क्या होगा? ये विंड मिल जो है वो मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह से कपड़े को सुखाने में भी हमारी जो वायु है वो क्या करती है? मदद करती है। ये देखिए, ये सेल बोट्स हैं, तो जब हवा चलेगी तो उस दिशा में जो बोट्स हैं वो क्या करेगी? आगे की ओर गति करेगी, अर्थात मूव करेगी। यहाँ पे काइट फ्लाइंग, तो पतंग को उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वायु की, हवा की। इसी तरह से वुड बर्निंग, तो लकड़ी को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वुड की, सॉरी एयर की। अगर एयर नहीं होगी तो आपका जो वुड है वो भी बर्न नहीं करेगा। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में हम करेंगे लर्न फ्रॉम मिक्की एंड मिनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, जब तक आप लोगों क्या करना है, यहाँ तक की रीडिंग लगानी है। अब यहाँ पे ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, छोटा था हमारा। स्विमिंग टायर्स ट्यूब्स एंड बैलून्स हैव एयर फिल्ड इनटू देम। इसका मतलब कि जो स्विमिंग जो टायर्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, और जो बैलून्स होते हैं उसमें क्या होती है? एयर होती है। ठीक है, उसमें एयर भरी जाती है। ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।